क्रिकेट इतिहास में आज पहली बार किसी को टाइम आउट के तहत आउट करार दिया गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज हेलमेट की स्लिप टूट जाने के कारण 3 मिनट की देरी से पिच पर पहुंचते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन अपील कर देते हैं और अंपायर उस अपील पर आउट करार दे देते हैं, जिसके बाद मैथ्यूज शाकिब अल हसन से अपील वापस लेने के लिए भी कहते हैं और अपने हेलमेट का स्ट्रिप भी दिखाते हैं, लेकिन शाकिब अल हसन अपील को वापस लेने से मना कर देते हैं और मैथ्यूज ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जो टाइम आउट के तहत आउट दिए गए हैं। किसी खिलाड़ी को टाइम आउट उस स्थिति में दिया जाता है रूल के मुताबिक जब विकेट गिरने के बाद नया खिलाड़ी 3 मिनट के अंदर अगली बॉल को खेलने के लिए तैयार नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में विपक्ष के अपील करने पर उस खिलाड़ी को आउट दिया जाता है।